नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। मध्य प्रदेश में यूं तो कांग्रेस की सरकार है और कहने के मामलों में बीते 15 सालों के भाजपा के शासन के एवज में अब कांग्रेस सुशासन लाने की बात कर रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश में भी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से अधिकारी, कर्मचारी और तमाम सारी जनता परेशान हुआ करती थी, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के राज में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मंत्रियों के ठाट जरूर बढ़ गए हैं। एक ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर स्वाइन फ्लू लैब के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के एक पुलिसकर्मी ने पैर छू लिए। अब ये पैर क्यों छुए गए और पुलिसकर्मी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने भरी मीडिया के सामने ही मंत्री जी के पैर छू लिए, ये तो पुलिस वाला ही जाने। लेकिन मंत्री जी के पैर छूते हुए पुलिसकर्मी का यह वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। मंत्री जी ने भी पुलिसकर्मी को आशीर्वाद दिया और पुलिसकर्मी भी आशीर्वाद लेकर चलता बना। आइए देखते हैं ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरें थी इंदौर के तलावली स्थित स्वाइन फ्लू लैब के भूमि पूजन कार्यक्रम की, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के एक पुलिसकर्मी ने पैर छुए। पैर छूना वैसे तो भारतीय संस्कृति में आपकी शिष्टता का परिचायक माना जाता है और हम जब कभी भी अपनों से बड़ों से मिलते हैं तो अभिवादन स्वरूप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन एक सरकारी पद पर होते हुए, चाहे आप कर्मचारी हों या अधिकारी हों, आप जनता के सेवक के रूप में वहाँ मौजूद होते हैं और ऐसे में आप किसी जनप्रतिनिधि के पैर छूकर क्या संदेश देते हैं, ये सभी जानते हैं। पैर छूना निजी संबंधों के आधार पर कहीं भी सही हो सकता है, लेकिन जब आप नौकरी में हैं या जब आप किसी एक ऐसे पद पर हैं जो जनता की सेवा के लिए बना है, तब यदि आप किसी के पैर छूते हैं तो आप अपने द्वारा निजी तौर पर उनके पैर नहीं छू रहे हैं, बल्कि जनता की तरफ से या जनता के प्रतिनिधि होने के नाते एक दूसरे जनप्रतिनिधि के पैर छू रहे हैं जो ओहदे में आपसे बड़ा है और किसी न किसी तरह के स्वार्थ के चलते आपका संबंध उससे होना समझा जा सके। ऐसे में पुलिसकर्मी द्वारा एक मंत्री के पैर छूना भी यही संकेत देता है कि पुलिस किस तरह से नेताओं के दबाव में रहती है और कहीं ना कहीं नेताओं से काम करवाने की एवज में कर्मचारी या अधिकारी कहाँ तक जा सकते हैं। पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है और इसीलिए खबर हमने आप तक पहुंचाई, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार रोजाना अलग अलग प्रदेशों से सामने आते हैं। सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन हमेशा अधिकारी या कर्मचारी सरकार के दबाव में होते ही हैं और उसकी परिणति इस तरह के वीडियो के रूप में सामने भी आती है। तो ये वीडियो था जो हमने आप तक पहुँचाया। इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।